आज मैं गया था बकरे का पचौनी लाने के लिए, जहाँ पर कि बहुत भीड़ था और भीड़ का वजह से बहुत देरी हो गया। अभी तक मैं नहाया भी नहीं हूँ। 11:30 हो चुका है। आज नहा के खाना खाते खाते शायद 1-2 बज जाएगा, बहुत देरी हो जाएगा। पचौनी को बनाना पड़ेगा, बनाने में भी थोड़ा काफ़ी टाइम लगता है। अभी उसको गर्म पानी करेंगे, गर्म पानी के साथ में उसको छीलना पड़ता है, उसका साथ में फिर उसको बॉयल करना पड़ता है, बॉयल करने के बाद में फिर उसको तब जाके ही उसको बनाना पड़ता है। और 2 सेट का वहाँ दुकान में मेरे को 500 रुपया बोल रहे थे दोस्तों, लेकिन आप तो जानते हैं कि इंडिया में जो रेट बोलने से वो रेट में कोई नहीं देता है, तो मैं उससे आखिरकार 50 रुपया कम ही दिया। बोला कि भाई 450 ले और उससे ज़्यादा नहीं दूंगा मैं। तो वीडियो में बने रहिए। देखिए दोस्तों, ये रेडी हो के आ चुका है। अभी इसको हम गर्म पानी के साथ में बॉयल करेंगे। बॉयल करने में 40 से 45 मिनट का वक्त लगेगा और उसका बाद ही इसको फिर मसाले का साथ में भुनेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और देखता हूँ नहा के अभी। और पचौनी भी जो बैठाए थे चूल्हा पे, उसको लगभग 40 से 45 मिनट हो चुका है। चलिए देखते हैं और उसको बनाते हैं। तो ये अभी हमारा प्रोसेस चालू हो चुका है बनाने का। देखते रहिए और वीडियो में बने रहिए। ये मसाला डाल रहे हैं अभी। ये हल्दी और ये डाल रहे हैं नमक स्वाद अनुसार। और ये अभी दोस्तों लास्ट में आ गया टमाटर। ये मिर्ची पाउडर मिर्ची के बगैर दोस्तों सब अधूरा है। थोड़ा सा मिर्ची लगने के बाद ही टेस्ट अच्छा आता है। थोड़ा सा पानी, इसमें मीट मसाला। अभी हम लोग का मसाला रेडी हो चुका है और अभी जो मीट डाले थे बॉयल के लिए, उसको कढ़ाई में डालेंगे। तो मसाले के साथ थोड़ा अच्छा से मिक्स कर लेंगे। ये बन के रेडी हो चुका है। अभी चलते हैं, वैसे भी टाइम बहुत हो चुका है। चलते हैं और देखते हैं कैसा टेस्ट है इसका, और मिलते हैं अगले वीडियो पे। दोस्तों मैं खाना खा चुका हूँ अभी, जस्ट अभी 1 मिनट पहले ही खाना खा के उठा। अच्छा था टेस्ट, बहुत अच्छा टेस्ट था। और खाना खाने के बाद अभी थोड़ा काम है मेरे को, थोड़ा निकलना पड़ेगा। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पे।